नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ आलू मटर की घुगनी। तो आइए देखिए घुगनी की रेसिपी कैसे बनती है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देख लेते हैं हमने घुगनी बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मटर 500 ग्राम, जिसे छील के रख ली है। ये लिया है मैंने टमाटर एक बड़े आकार का, जिसे कट करके रख लिया है। 2 आलू लिया है कट करके, बारीक किया है कट। और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक ग्रेट किया हुआ, हींग, जीरा, गरम मसाला, नमक और हल्दी। गैस पे रख ली है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो मैंने डाल दिया उसमें 1 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरे के बाद मैंने डाल दिया है हींग। जब हमारा जीरा और हींग चटकने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं डाल दूंगी मटर, मटर के बाद मैंने डाल दिया है आलू, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के 3 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर लिया है और इसे ढक दिया है। 3 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे टमाटर, ग्रेट किया हुआ अदरक, इसके बाद हम डाल देंगे नमक और हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें, पर हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। और इन सारी चीज़ों को मैंने एक बार अच्छे से मिक्स किया और फिर ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। 2 मिनट के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे आलू अभी पके हैं कि नहीं। तो हमारे आलू पक चुके हैं, ये देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हमारे आलू पक चुके हैं। इसके बाद मैं डाल देती हूँ गरम मसाला और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब डाल दूंगी मैं हरा धनिया, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो हरा धनिया जरूर डालें। और अब हमारी घुगनी बनके तैयार है, तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लूंगी। पे देखिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, और गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, आसाम की चाय के साथ, या फिर आप पराठे से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने यहाँ पे सर्व कर लिया है। मेरी ये वीडियो घुगनी की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।